नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक गाइड। आज के इस वीडियो में हम पैन कार्ड से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना इंस्टेंट पैन कार्ड इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपना इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने के लिए आपको इनकम टैक्स की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं या फिर आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे www.incometax.gov.in तो भी आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में अपना इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने के लिए आपको क्विक लिंक में एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा इंस्टेंट ई पैन का। इस पे आप क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है गेट न्यू ई पैन कार्ड का, जिससे आप नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के थ्रू KYC किया जाएगा और आपके आधार कार्ड से ही सारा डिटेल फैच होगा, जिससे आपका पैन कार्ड रेडी किया जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है चेक स्टेटस डाउनलोड पैन का। आपके पैन कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में आप यहां से अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे और साथ ही आप यहीं से आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसा कि हमें नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो हम यहां पर क्लिक करेंगे न्यू ई पैन कार्ड पर। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, जिसमें आपको लिख के मिल रहा है यहाँ पर गेट न्यू ई पैन। इसमें आपको यहाँ पर 12 डिजिट का अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद में आप यहां पर कंफर्म करेंगे, उसके बाद आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा डिक्लेरेशन आएगा KYC का। आप यहां पर आई हैव रीड पर क्लिक करेंगे, इसको आप चेक करेंगे, उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस मोबाइल पर। उसको आप यहां पर डालेंगे, उसके बाद में यहां पर एग्री पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरा डिटेल ओपन होके आ जाएगा। आपके आधार कार्ड का सारा डिटेल यहां पर दिखा दिया जाएगा, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी का, जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है नॉट लिंक्ड। तो आपको यहां पर लिंक करना होगा अपने ईमेल आईडी को। ईमेल आईडी जैसे ही आप लिंक करेंगे, लिंक करने के लिए आप लिंक ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप यहां पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, देन उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, जिसको आप यहां पर डालेंगे। तो जैसा कि हम अपना ईमेल आईडी यहां पर डाल लेते हैं, उसके बाद में आपको यहां पर ओटीपी सेंड करके दिखाते हैं। तो जैसा कि हमने अपना जीमेल आईडी डाल लिया है, उसके बाद में मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूं तो हमारे जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, जिसको हमें यहां पर डालना होगा। हम अपने जीमेल आईडी का ओटीपी यहां पर डाल के उसके बाद में हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर एक मैसेज आ जाएगा, ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद में आपको यहां पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेटेड का, जिसमें आपके सामने यहां पर ग्रीन टिक हो जाएगा, मतलब आपका जीमेल आईडी आपके यहां आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। उसके बाद में आप यहां पर आई एक्सेप्ट दैट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा कुछ मैसेज आएगा, जिसमें आपको लिखा मिल जाएगा योर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको यहां पर एक नंबर दे दिया जाएगा, इसको आप कॉपी करके रख लेंगे, जिससे आप अपने पैन का स्टेटस चेक कर पाएं। अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए और साथ ही अपने पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से इसी वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद में आपको क्विक लिंक में आने के बाद में आपको एक ऑप्शन आप यहां पर दिखाई देगा इंस्टेंट ई पैन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको इस बार चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन पर क्लिक करना होगा, जिसके लिए आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, देन उसके बाद में आपको यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। देन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसको आप यहां पर डालेंगे, देन उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपके पैन कार्ड का स्टेटस दिखा दिया जा रहा है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है यहां पर रिक्वेस्ट फॉर न्यू ई पैन अलॉटमेंट
सबमिटेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर डेट भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका पैन कार्ड अभी नहीं बना हुआ है, जो कि पेंडिंग में है। ये आपका लगभग एक घंटे के अंदर अंदर बन जाता है। उसके बाद में आप यहीं से अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद में उसको आप कहीं भी यूज कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।